मेरा पहला सवाल सर आपसे यही, भारतीय गृह मंत्री और विदेश सचिव दोनों ने यह साफ साफ कहा है कि कुलभूषण जाधव को फांसी देने की सजा का फैसला हम प्री मेडिटेटेड मर्डर यानी सोची समझी हत्या मानते हैं। इसे हत्या ना कहें तो क्या कहें जनरल मुशर्रफ? पहली चीज तो ये बिल्कुल गलत, ये प्री मेडिटेटेड मर्डर जो आप कह रही है, अभी तक तो वो जिंदा है, मर्डर तो हुआ नहीं है वो। दूसरी चीज ये, और उसके पास अपील की मौके है, अपील फ्रॉम मिलिट्री के अपेलेट बेंच और सुप्रीम कोर्ट में जाए और फिर मर्सी पिटीशन, तो ये देखते हैं। और मर्डर का सवाल ये नहीं है, मर्डर तो ये होता है ना कि जो बेगुनाह आदमी हो, इसने तो सेबोटाज और एस्पियोनाज कर रहा है ये पाकिस्तान में, तो ये तो बेगुनाह नहीं है, तो इसको सजा मिली है, एक प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया है, तो इसलिए ये कोई, बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूँ कि ये एक प्री मेडिटेटेड मर्डर जो आप कह रही है ये गलत है। भारत सरकार ने कहा है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे कुलभूषण जाधव को बचाएंगे। ये एक धमकी है, इसको धमकी कहते हैं, जो बिल्कुल एक अगर बाइज्जत कौम है, बाइज्जत फौज है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी इस किस्म की धमकियां, क्योंकि आप धमकी देंगी तो इधर से काउंटर धमकी आएगी कि हम भी देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और हम भी उसको जरूर वो सजा देंगे। अब इसीलिए ये जो धमकी आप दे रही हैं, इसीलिए फौज के कोर कमांडर्स मिले और उन्होंने आपको काउंटर धमकी दे दी कि हमने तो उसे जरूर हैंग करना है। तो ये जब ही होता है जब आप लोगों ने ऐसे हिस्टीरिया क्रिएट किया हुआ है और आप फोर्स कर रहे हैं एक रिस्पॉन्स आर्मी की, हमारी आर्मी की तरफ से एक काउंटर ऑफेंसिव रिस्पॉन्स, तो वो उन्होंने किया है। तो ऐसी एस्केलेशन इसी से होती है, आगे चलता रहता है। मैं हर मुमकिन कोशिश जो वो करेगा, अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करता है तो हम उसको काउंटर करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। जानकारी हासिल की थी क्योंकि सच्चाई ये है सर के कि ईरान में एक व्यापारी कौन आया आपसे, एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर ईरान में व्यापार कर रहा था, वहां से तालिबान ने किडनैप किया और यहां पे पाकिस्तान में उसे बेचा गया और उसके बाद से एस्पियोनाज का ये पूरा केस चल रहा है। अच्छा, नो, ये दोनों चीजें गलत है। एक तो वो बिजनेसमैन नहीं है, वो एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है बिल्कुल, और दूसरा वो बिल्कुल कोई, वो वहाँ रॉ एजेंट बना हुआ था, तो वो नेवल ऑफिसर है वो और रॉ एजेंट बना हुआ था, कोई बिजनेस नहीं कर रहा था। ये दोनों बातें आपने गलत कह रही हैं, दोनों बातें कुक्ड अप हैं। ये जो सच है वो आपको कुक्ड अप लगता है, जो सरताज अजीज कहते हैं वो आपने कह दिया कि मूड में बोल दिया होगा। चलिए तीसरे सवाल पर आते हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब दोनों देशों के रिश्तों के लिए पहल हो रही थी और क्या नहीं, आपको लगता जो सच है वो उसको आप झूठ बनाना चाह रही। कुलभूषण जाधव की वजह से भारत पाक रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा, पड़ेगा जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, एक हिस्टीरिया जो डेवलप कर रहे हैं आप इंडिया में, हिंदुस्तान में, पब्लिक में, उससे तो बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल, हमेशा ऐसे ही होता है, आप ये हमेशा करते हैं, ये पहली दफा नहीं है। कभी भी कोई चीज होती है, उधर उड़ी हुआ तो उधर शुरू हो जाए, पठानकोट हुआ उधर शुरू हो जाए, हर चीज पे अगले सुबह ही आप कह देते हैं कि पाकिस्तानियों ने करवा लिया, ISI ने करवा लिया, ये है वो है, वो अगले दिन सुबह बगैर इन्वेस्टिगेशन के आप लोग शुरू हो जाते हैं और पब्लिक में एक हिस्टीरिया पाकिस्तान के खिलाफ विप अप करते हैं आप। ये तो आप लोगों की अपनी आदत बनाई हुई है आपने, कि फर्क देखिए अपने आप में और हम में। बांग्लादेश हो वहां से लेकर कारगिल तक, हमने हर बार आपकी सेना को जबरदस्त करारा जवाब दिया, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाते हैं और आंखें तरेड़ने की हिम्मत करते हैं। आप कहे चले जाइए बांग्लादेश से कारगिल तक, कारगिल में हमने आपको गर्दन से पकड़ लिया था आपकी फौज को, और आपकी फौज रो रही थी और भागते भी गए बिल क्लिंटन, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के पास, लौट के आपने के लिए कि ये लौट के उल्टे मुंह आपकी सेना भागी थी सर, लौट के उल्टे मुंह आपकी सेना भागी थी, लौट के आपकी, आप पढ़िए जिसका जिसको मर्जी हो, हम नहीं मानते, हम भारत सरकार का वर्जन मानते हैं और वही वर्जन जिसको पूरी दुनिया ने माना है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप इक्के दुक्के यहाँ के एक दो लोगों की किताब पढ़ते रहिए और खुश रहिए। आप ये बताएं, आप कारगिल गई हैं कभी, और मेरे से आप कारगिल की बातें कर रही हैं जैसे आप गई हैं, मैं तो उधर एक एक चप्पा जानता हूँ और मुझे एग्जैक्टली मालूम है कितनी पांच जगहें जो थी, और एक जगह आप लोग आए हुए थे, चार का तो आपको पता ही नहीं था और अब शुरू ही नहीं हुए थे ऑपरेशन,
ये आप लोगों को पता ही, आप लड़ाई रहते लड़ते रहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए एक बार फिर से घुस कर मारा है उन आतंकी कैंप्स में हमने, जहां पर आप आतंकवाद को पनपाते हैं। पेशावर याद कीजिए, पेशावर याद कीजिए सर, पेशावर में मासूम बच्चों की जान गई क्योंकि आप और आप जैसे सियासतदानों ने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवाद को जन्म दिया है और पाला पोसा है। आपको आपको मुझे लगता है इस पर बहुत सीरियस जवाब देना चाहिए, मेरे ख्याल में बहुत सीरियस जवाब देना चाहिए। तमीज से बात करें और आराम से बात करें, बिल्कुल आराम से। तो लड़ाई कर रही है मेरे से, आप कोई आदमी हो तो मैं उससे लड़ूं, और आपसे यही पूछ रही हूं क्या मैं लड़ूं, ठीक है कि मैं लड़ना भी नहीं चाहता हूं। चिंता ना करें, उसकी आप बोली चली जा रही है और अपने आप को आप इतना वर्कअप कर रही हैं, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इतना ज्यादा वो ना करें, इतना ब्लड प्रेशर हो जाएगा आपको, आराम से। और आप भी काफी फिट दिख रहे हैं इंशाल्लाह, जो कुछ भी कर रही है। और छोटी बात करें ताकि मैं उसका जवाब भी दूं। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आतंकवाद, थैंक यू वेरी मच, आतंकवाद, आतंकवाद, पेशावर के बच्चे, आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान को अब सख्त कदम उठाना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हमने पीओके में घुसकर आतंकी कैंप्स को ध्वस्त, फिर वही एक आप बेवकूफ बनाई चले जाएं अपने कौम को, पागल, उनको बेवकूफ झूठ बोल बोल के उनको बनाई चले जाएं। सर्जिकल स्ट्राइक्स, ओ भाई क्या हिम्मत है आपकी आर्मी की, सर्जिकल स्ट्राइक्स उन्होंने की है, हम ना सर्जिकल स्ट्राइक आपके अगेंस्ट कर जाएं, हम भी कर सकते हैं, जो आप वहां कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की आपकी फौज ने, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बातें कर दी थी कि आप वो पब्लिक को बताना था कि भाई हाँ हमने बड़ा मारा पाकिस्तान की फौज को, तो वो सर्जिकल स्ट्राइक का एक ढकोसला शुरू कर दिया जो सब झूठ है। कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है वहाँ, ये सच्चाई है और मुझे मालूम है कि ये सच है, और आप झूठ बोल के अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाए चले जा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है, और भारतीय सेना की जो जवान हैं और जो चीफ हैं उन्होंने बाकायदा उसके सबूत भी रखे थे, लेकिन और इसमें ये जो आपकी एग्रेसिव स्टांस जो है जिसमें आप हमें कुछ छोटा दिखाना चाह रहे हैं या हमें बिल्कुल ऐसा दिखाना चाह रहे हैं जैसे हम कोई छोटा मोटा कोई मामूली सा मुल्क है और हमारी फौज कोई मामूली फौज है, ये मत करें, क्योंकि हमारी फौज बहुत ताकतवर फौज है, बड़ी बैटल हार्डन फौज है, और हमारा मुल्क भी कोई 20 करोड़ का अवाम है जो हमारे जो आपका मुकाबला पूरी तरीके से कर सकता है। तो ये बातें मत करें ऐसा, क्योंकि एस्केलेशन हो जाती है और जंग की तरफ आगे चलती है मामला। बात आराम से करें और जो भी लीगल प्रोसेस है उसको पूरा होने दें, ये मेरी एडवाइस है आपको, लीगल प्रोसेस को होने दें पूरा, और इसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हाँ। और आराम से पाकिस्तान से डील करें इस सिचुएशन ते हुए। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर एक तरफा फैसला सुनाया है, उन्हें न्याय का कुछ भी अंदाजा नहीं है, सच है नहीं ये कोई नहीं, बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूँ, जिस किसी ने ये भेजा है मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। पाकिस्तान लॉ फॉलो करता है और अपना लॉ फॉलो करता है, और जैसे मैंने कहा है कि यहाँ सेबोटाज और एस्पियोनाज में जो भी इन्वॉल्व होता है वो मिलिट्री कोर्ट मार्शल उसका किया जाता है, ये हमारे लॉ में लिखा हुआ है, तो इसका कोर्ट मार्शल हुआ है, और कोर्ट मार्शल में मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ फॉलो होती है, वो इन्होंने फॉलो किया है। अगले सवाल पर पहुंचती हूं, जिसमें नेपाल की सीमा पर 6 किलोमीटर आगे लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब जहीर साहब जो कि लुम्बिनी के पास उन्हें पकड़ा, मतलब वो वहां से गायब हो गए, अब पाकिस्तान कह रही है कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ है, तो क्या पाकिस्तान की आर्मी ये सोच रही है कि एक्सचेंज प्रोग्राम होने वाला है, क्या है दिमाग में? ये किस किस्म की लॉजिक है कि एक कर्नल गायब है तो पाकिस्तान ने इसको, मतलब आपका ख्याल ये है कि ये हम बिल्डअप कर रहे हैं कि एक्सचेंज हो, हम क्यों एक्सचेंज करना चाहेंगे, हम तो उसको सजा मिली है, डेथ सेंटेंस मिली है, वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो हम क्यों ऐसा एक हरकत कर रहे हैं कि जी हम एक्सचेंज फिर ताकि हो सके, एक हम साजिश कर रहे हैं एक्सचेंज करने के लिए, हम तो एक्सचेंज नहीं करना चाह रहे हैं, हम तो उसको सजा मिली भी है कैपिटल पनिशमेंट, वो एग्जीक्यूट हम करना चाह रहे हैं, तो ये एक्सचेंज तो आप करना चाहेंगे, मतलब आप कुछ ऐसी हरकत करेंगे कि पाकिस्तान से उस एक्सचेंज हो जाए, वो यादव साहब आ जाए और हमें वो कर्नल मिल जाए, ये हरकत तो आपने करनी है, तो ये मेरे से आप पूछ रही है पाकिस्तान क्यों ये एक्सचेंज करेगा? बाप दे, एक अधिकारी, पूर्व अधिकारी, और कम से कम आर्मी, आर्मी में चाहे वो किसी भी देश का हो, इतनी तो
इंसानियत इंसान के अंदर होती है कि वो किसी भी पूर्व अधिकारी को सलाम करे, आप खुद मान रहे हैं कि वो एक पूर्व अधिकारी है, फिर ऐसे में उसको एक फेयर ट्रायल डिनाई करके पाकिस्तान एक मुल्क के रूप में, आपने खुद करोड़ों की जनसंख्या की अभी बात कही थी, एक मुल्क के रूप में उसके खून का प्यासा दिख रहा है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने, आपको शर्मिंदगी होती है इस बात? नहीं, ये बिल्कुल शर्मिंदगी कोई नहीं है। फेयर ट्रायल, फिर वही आप कह रहे हैं फेयर ट्रायल नहीं मिला, बिल्कुल फेयर ट्रायल मिला, मैं तो मान ही नहीं रहा हूँ। दूसरा ये कि जब एस्पियोनाज किसी ने किया हो और यहाँ इनोसेंट लोगों को मरवाया हो, कई अजमल कसाब लॉन्च किए हो और हमारे बॉम्ब ब्लास्ट करवा कर बेकसूर लोगों को मरवाया हो, उस पर क्यों मैं रहम दिलवा देखना चाहिए दिखाना चाहिए? बिल्कुल रहम नहीं दिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।